हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर दोस्तों आप अपने डिजी लॉकर में किसी भी तरीके का आपने पीडीएफ या फिर कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड किया है और उस डॉक्यूमेंट को जो है आपको डिलीट करना है, पीडीएफ को डिलीट करना है डिजी लॉकर से, और आप उसको कैसे डिलीट करेंगे तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीका बताऊँगा डिजी लॉकर से जो है आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डिजी लॉकर से किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे, तो सबसे पहले हमें डिजी लॉकर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ठीक है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना, आप किसी भी फाइल को यहां से जो है आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी फाइल को अपलोड किया है वो फाइल आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पॉपअप देखने को मिलेगा। यहां पर जो है आधार कार्ड वेरीफाई करने को बोलेगा, तो अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है तो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसके अंदर एंटर कीजिएगा तो आपके इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब यहां पर काफी लोगों को दिक्कत होता है कि अपना जो है जो भी पीडीएफ है उसको हम अपलोड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, तो यहां पे हम डिलीट करने का तरीका बताएंगे कि आपने जो पीडीएफ अपलोड किया है उसको आप डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहां से जो है आप नीचे थोड़ा सा कीजिएगा तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है डिजी लॉकर डिवाइस, आप यहां पर देख सकते हैं। तो जो आपने डिजी लॉकर में जो भी फोटो वीडियो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है वो यहां पे दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन दिखेगा। यहां पर दोस्तों आपको फर्स्ट वाला नंबर सेलेक्ट करना है, यहां पे डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है ना, आपको इसमें आना है। ठीक है, क्योंकि आपने जो भी फाइल फोल्डर को अपलोड किया था उसमें यहां पे मिल जाएगा। आप चाहे तो नीचे वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां पर भी आपका पीडीएफ फाइल फोल्डर जो भी है उस ऑप्शन में आप आ जाइए। हम इस पे क्लिक करते हैं, हमने एक डॉक्यूमेंट को अपलोड किया था और इस डॉक्यूमेंट को हमें डिलीट करना है क्योंकि यह डॉक्यूमेंट बेकार है, किसी दूसरे का है और हम इसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा ना, इस डॉक्यूमेंट पे हम थोड़ा देर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो ऊपर में देखिएगा छोटा सा यहाँ पर थ्री डॉट का बटन मिलेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं कॉर्नर यहाँ पे जो है मैं तीर का निशान लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से तीन ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है व्यू, डाउनलोड, रीनेम और यहाँ पे शेयर और डिलीट का भी बटन मिलता है। तो हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो हम डिलीट वाला बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक पॉपअप आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिलीट वाला जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे डिजी लॉकर से जो भी पीडीएफ फाइल होगा वो यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। और इस तरह से आप भी डिजी लॉकर से किसी भी पीडीएफ फाइल को जो है आप हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।